इस कंपनी में इंटरव्यू हुआ है और अभी तक शायद वीज़ा नहीं आया। बहुत लोगों का वीज़ा आया और वो लोग आ करके मक्का प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं, हरम प्रोजेक्ट पे। लेकिन बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जिसका अभी तक वीज़ा नहीं निकला है, उन लोगों का मेडिकल भी एक्सपायर होने वाला है और अभी तक उनका वीज़ा नहीं निकला। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग बोलते हैं कि भाई अलजामिल कंपनी का वीज़ा आ गया है, यानी कि लोगों का कुछ वीज़ा स्टाम्पिंग हुआ है, और इसको लेकर के बहुत ऐसे मेरे भाई हैं कि जो लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि भाई अपनी आंखों से देखा वीज़ा आया या नहीं आया, कौन बोला कि आया, कैसे पता चलेगा, मेरा एजेंट ऐसा बोल रहा है कि नहीं आया, मेरा ऑफिस वाले बोल रहा है कि थोड़ा सा और इंतज़ार करो, ऐसे करके। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, शायद आप जानते भी होंगे, कि किसी भी एजेंट से या किसी भी ऑफिस वाले से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आप अपने पासपोर्ट नंबर से, जो पासपोर्ट नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर से सिर्फ चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा लगा हुआ है या नहीं लगा है, यानी कि आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो चुका या नहीं हुआ, या आपका मोफा आया है या नहीं आया, यही सारे चीज़ आप अपने पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं। ऐसे में मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाया है कि अगर आप सऊदी अरब का वीज़ा को चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं कि जिसको अभी भी नहीं मालूम है, नहीं मालूम होने की वजह से ही वो लोग लोगों से पूछते हैं कि भाई वीज़ा आया क्या, वीज़ा आया क्या, मैं अपने एजेंट से पूछ रहा हूँ तो मेरा एजेंट बोल रहा है कि अभी नहीं आया, या बोल दे कि एजेंट आ गया है, आपसे वो पैसा मांगने लगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर सोचिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं धोखेबाज एजेंट कि जो लोग आपसे ऐसे ही बोल देंगे कि भाई आपका वीज़ा आ गया है, आप पैसा जमा करें, तो आप क्या करेंगे, आप पैसा जमा कर देंगे? नहीं, नहीं करना पैसा जमा, क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से अपने मोबाइल पे चेक नहीं करेंगे अपने पासपोर्ट नंबर से कि आपका वीज़ा जो है वो स्टाम्पिंग हो चुका है या नहीं हुआ है, तब तक आप किसी को पैसा नहीं देंगे। तो चेक करने के लिए मैं आपको बताएंगे कि कैसे चेक किया जाता है। मैं 2-3 वीडियो का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप लोग जा करके जब देखेंगे तो आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। मैं बस आपको एक मिनट में मैं चेक करके बताने वाला हूँ कैसे चेक किया जाता है। चलिए चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हम अपने चैनल पे लेकर के आते रहते हैं, जिसमें हम बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को कि जॉब ऑफर लेटर, समझते हैं ना जॉब ऑफर लेटर किसे बोलते हैं। कोई भी कंपनी में अगर आपका काम होता है तो आज के डेट में देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का जॉब ऑफर लेटर मिलता है, तो उस जॉब ऑफर लेटर में मैं बताऊँगा आपको 99% लोगों को फेक ऑफर लेटर मिल रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग के पास नौकरी नहीं है ना, जॉब नहीं है, लोग परेशान हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, उसी तरह ये जो फेक काम करने वाले लोग हैं ना, जो फ्रॉड काम करने वाले लोग हैं, वो अपना एक बिजनेस बना चुके हैं कि ऑफर लेटर फेक दे दिया जाए किसी भी गरीब आदमी को, जो जिसको हम लोग फंसा सके। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग नहीं फंसते हैं, मानिए कि अगर 100 आदमी को फेक ऑफर लेटर बना कर देता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग चेक कर लेंगे या किसी से चेक करा लेंगे, जरूरी ये भी नहीं है कि सारे लोगों को पता है कि ऑफर लेटर ओरिजिनल है या फेक है, लेकिन उसमें बहुत ऐसे लोग होंगे, मानिए कि 5 आदमी भी अगर फंस चुका उसमें और 5 आदमी अगर 20-20 हज़ार रुपया उसको दे दिया तो 1,00,000 रुपया उसने कमा लिया, 95 लोग रिजेक्ट कर दिया, गाली दिया या कुछ भी किया, लेकिन फिर भी 5 आदमी तो फंसा ना, 5 आदमी फंस चुके, वो गरीब आदमी का 5,000-20,000 रुपया डूब सकता है। ऑफर लेटर, फ्लाइट का टिकट भी फेक मिलता है आज के डेट में, और वीज़ा भी फेक मिलता है आज के डेट में। तो ये सारे चीज़ को कैसे चेक किया जाता है, मैंने अपने YouTube चैनल पे हमेशा वीडियो लेकर आता रहता हूँ, आप जो जा करके चेक करेंगे सारे चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट नंबर से कैसे आप चेक करेंगे कि आपका जो वीज़ा है वो वीज़ा सऊदी अरब का स्टाम्पिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर स्टाम्पिंग हो चुका है तब भी आपको पता चलेगा, अगर नहीं हुआ है तब भी आपको पता चल जाएगा, और सिर्फ मोफा नंबर आया हुआ है तब भी आपको पता चल जाएगा। ये सारे चीज़ हम बताने वाले हैं। चलिए मोबाइल पे, अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता है, हमेशा। आप अगर वीडियो को देखेंगे, अगर आपको समझ में आता है तो सारे टेंशन आपको ख़त्म हो जाएगा, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से अगर देखेंगे तो। चलिए मोबाइल पर,
तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद सर्च में जा करके लिखना है इंजाजिट, ठीक है ना। मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, इंजाजिट लिख करके आपको सिर्फ सर्च करना है, ठीक, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंजाजिट लिखना है और सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाई देगा, visa.mofa.gov.sa, इस वाले लिंक पे आपको करना है क्लिक, कहीं दूसरे जगह पे नहीं जाना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा नेट कुछ स्लो चल रहा है, तो चलिए फाइनली यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये अरबिक में आ रहा है तो यहाँ से आप इंग्लिश कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, थ्री लाइनिंग जहाँ पर दिया है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखा नजर आता होगा, तो इंग्लिश वाले पे कर दीजिए क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आज एक आ चुका है वीज़ा प्लेटफॉर्म करके, और फाइंड योर एप्लीकेशन डेटा। अब आपको सिर्फ आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देना है। पासपोर्ट नंबर देने के बाद करंट नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस देश से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे देश मिल जाएगा, तो हम इंडियन को चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, तो इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। उसके बाद आपको वीज़ा टाइप में जाना है। देखिए यहाँ पे वीज़ा टाइप, तो वीज़ा टाइप में आपको बता दूं मेरे भाई, बहुत तरह का वीज़ा होता है यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि आपका वर्क वीज़ा था या विजिट वीज़ा था या क्या था, ठीक है ना। तो हम यहाँ से चेक कर रहे हैं वर्क वीज़ा के, जाहिर सी बात है अगर कंपनी में काम हुआ है आपका तो वर्क वीज़ा होगा, क्योंकि आप जॉब करने के लिए जाते होंगे। तो यहाँ से हम कर देंगे वर्क, वर्क हो चुका है यानी वर्क वीज़ा है मेरा। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो वीज़ा है कहाँ से स्टाम्पिंग होने वाला है। यहाँ पे जितने भी कंट्री है ना, देश है, सारे देश का नाम यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में अक्सर आप लोग देखा होगा मुंबई या दिल्ली में स्टाम्पिंग होता है, ज़्यादातर तो दिल्ली में स्टाम्पिंग नहीं, मुंबई में स्टाम्पिंग होता है। तो आप लोग यहाँ से मुंबई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मुंबई में ओपन नहीं हो रहा है तो एक बार आप चेंज कर सकते हैं, दिल्ली कर सकते हैं, दिल्ली करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है ना। तो कैप्चा को फिल यहाँ पे हमने कर दिया, और देखिए यहाँ पे अब पासपोर्ट नंबर रही बात, तो मैं पासपोर्ट नंबर दे देता हूँ, सिक्योरिटी रीजन की वजह से लास्ट में पासपोर्ट नंबर मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैंने पासपोर्ट नंबर दे दिया, सारे डिटेल्स तो फिल कर ही दिया है। उसके बाद जस्ट आपको सर्च वाले बटन पे करना है क्लिक। मेरे भाई जैसे सर्च वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो चुका होगा तो ऐसे वीज़ा नंबर आपको यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, और इसके बाद आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपका फ़ोटो आ जाएगा, आपका वीज़ा नंबर आ जाएगा, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे पॉइंट, देखिए समझने वाली, यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट नंबर करके एक बारकोड दिया है ना, ठीक है। तो अगर ये दो बारकोड आपको नज़र आता होगा, दो बारकोड अगर नज़र आता होगा, समझिए कि आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो चुका है। डॉक्यूमेंट नंबर भी शो करेगा और वीज़ा नंबर जो पहले शो किया वो भी शो करेगा और कंपनी का नाम भी शो करेगा। अगर आपको दो बारकोड नज़र नहीं आता है, डॉक्यूमेंट नंबर नज़र नहीं आता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिर्फ मोफा लगा हुआ है। मोफा, सिर्फ मोफा जब लगता है ना, जहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर नहीं शो करता, एक बारकोड शो करता है, दो बारकोड नहीं शो करता है, कंपनी का भी नाम कभी कभी शो नहीं करता है, सिर्फ आपका डिटेल शो करेगा और एक बारकोड शो करेगा, आपका फ़ोटो शो करेगा। तो ये समझ चुके होंगे। अब रही बात दूसरी कि जिसका वीज़ा या मोफा नहीं लगा होगा उसका कैसे शो करेगा, एक मिनट। अब देखिए मैंने पासपोर्ट नंबर सिर्फ चेंज किया है, उसके बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और उसके बाद सर्च पर कर रहे हैं क्लिक। जैसे सर्च पर दोस्तों क्लिक करेंगे, अगर वीज़ा आपका नहीं लगा होगा या आपका मोफा नहीं लगा होगा, तो आपको ये वाला रेड कलर करके आ जाएगा और लिखेगा कि प्लीज़ ट्राई अगेन करके, कि आपका कोई यहाँ पे डेटा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आप बाद में फिर चेक करें। अगर आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो चुका होगा, जैसे मैंने बताया दो बारकोड शो करेगा और आपका डॉक्यूमेंट नंबर, वीज़ा नंबर, सारा चीज़ शो करेगा। अगर आपका मोफा सिर्फ लगा होगा तो एक बारकोड शो करेगा, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर, वीज़ा नंबर शो नहीं करेगा। तो उम्मीद करते मेरे भाई आपको सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपका अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हुआ है या नहीं हुआ है, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।